अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में आगे मूव ऑन करने से पहले आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। जिस शॉर्ट वीडियो पे आपकी ऑडियंस रिटेंशन अच्छी आती है उसमें आपके व्यूज अच्छे आते हैं, एंड इसका सबूत मैं आपको अभी देती हूँ। मेरे चैनल पे कोई बहुत ज्यादा शॉर्ट्स नहीं है, बट जितने भी शॉर्ट्स हैं उसमें मैक्सिमम 18,000, 19,000, 20,000 व्यूज हैं। दो चीजें जो होती हैं ये बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आगे जाके आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि ये दो चीजें आपने बेसिकली करनी कैसे हैं वीडियो को अपलोड करते वक्त, यानी कि आपने ये कौन सी टिप्स हैं जिन्हें यूज करना है वीडियो को अपलोड करते वक्त, शॉर्ट वीडियो। तो चलिए मूव ऑन करते हैं। अब यहां पे मेरी एक वीडियो है जिसमें मेरे 19,000 समथिंग व्यूज हैं, ठीक है, 19,700। अगर इस वीडियो की मैं रीच पे जाऊंगी, इससे मैंने 60 प्लस सब्सक्राइबर्स लिए हैं, ठीक है, और इसके जो है वो यहाँ पे अगर मैं रीच पे जाती हूँ तो 23.1 यानी 23,000 लोगों को ये वीडियो दिखाई गई है, जिसके बाद 19,700 लोगों ने अभी तक इसको देख लिया है। 50% इसका ऑडियंस रिटेंशन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज है जो आपको दिखाने वाली है। रीच में जाके ना यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि कितने सारे लोग हैं जिन्होंने इसको देखा है और कितने सारे लोगों ने इसको स्वाइप कर दिया, यानी कि कितने सारे लोगों ने इसको हटा दिया है और कितने सारे लोगों ने इस पे क्लिक किया है। तो यहाँ पे 85% लोगों ने इस वीडियो को देखा है, रिमेनिंग 14% लोगों ने जस्ट इसको स्वाइप अवे किया है। दैट मीन्स कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इसको देखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्राउज फीचर से मेरी वीडियो पे जो है वो व्यूज आए हैं, शॉर्ट फीड से भी आए हैं, चैनल पेजेस से आए हैं। यानी शॉर्ट फीड्स में अगर आपको अपनी वीडियो भेजनी है तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जो आपने बेसिकली अपनी वीडियो को अपलोड करते वक्त करनी है ताकि आपकी वीडियो भी शॉर्ट फीड्स पर सबसे पहले जाए, यूट्यूब सर्च पे जाए। यूट्यूब सर्च से भी आपके शॉर्ट्स पे व्यूज आते हैं, क्योंकि नीचे देखिए यूट्यूब सर्च टर्म यहाँ पर मेंशन है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मेरे चैनल का नाम लिख के सर्च किया है तो उन्हें मेरी ये शॉर्ट वीडियो सबसे पहले नजर आई है, जिसके बाद उन्होंने इस पे क्लिक किया है, ठीक है, तभी यहाँ पे यूट्यूब सर्च टर्म्स दिखाई देता है कि यूट्यूब सर्च टर्म्स के थ्रू भी लोगों ने इस वीडियो को देखा है। मैं अपने कैटेगरी के हिसाब से बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे इस वक्त जो करंट सब्सक्राइबर्स हैं 45K होने वाले हैं, तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को नजर में रखते हुए अपने चैनल की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोगों के शॉर्ट्स पे भी एटलीस्ट व्यूज आए और थाउजेंड्स में आए। थाउजेंड्स में आते 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 आपके व्यूज बढ़ते हैं, ठीक है, आगे आगे व्यूज बढ़ते हैं। इनिशियल हर किसी का यही एक ड्रीम होता है कि एटलीस्ट हमारी जो वीडियोज है उस पे व्यूज हमारे थाउजेंड से अबव ही आए। सबसे पहले तो आपने जाना है अपने मोबाइल फोन पे, यूट्यूब की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, और उसके बाद आपने सर्च टर्म पे आना है। सर्च पे आने के बाद आपने यहाँ पे चैनल सर्च करने हैं। दो ऐसे चैनल आपने यहाँ पे सर्च करने हैं जो कि आपकी कैटेगरी से रिलेटेड हो। मैंने यहाँ पे एक चैनल सर्च किया है, इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे देख लें इनके शॉर्ट्स पे व्यूज भी अच्छे खासे आए हैं, पॉपुलर भी और लेटेस्ट पे भी अच्छे व्यूज हैं इनके। तो यहाँ पे हमने मिलियंस में इनके व्यूज हैं। अब सिंपली क्या करना है, इस चैनल का हमने ले लेना है स्क्रीनशॉट। इस एक चैनल का स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब जाके दूसरा चैनल सर्च करती हूँ मैं, ठीक है। दो चैनल मैंने तो पहले से ही ढूंढ कर रख लिए थे, तो आप भी अपनी कैटेगरी के लिहाज से अपने चैनल ढूंढ कर ऐसे रख लीजिएगा जिनका आपने स्क्रीनशॉट लेना है। तो मैं बताती हूँ उसका आपने आगे क्या करना है। आपने यहाँ पे जाना है, और ये IF2 इस्लामिक फैक्ट्स एक और चैनल है, इसको मैंने ओपन किया। इनके भी शॉर्ट्स पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे व्यूज हैं, ठीक है, 7.3 मिलियन इनके हाईएस्ट हैं, 5.3 अच्छे व्यूज हैं मिलियंस में। और इसका भी हमने क्या लेना है, स्क्रीनशॉट। ये दोनों का हमने ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक शॉर्ट, जैसे आप अपलोड करते हो क्रिएट अ शॉर्ट से करें या अपलोड वीडियो से करें, जैसा आपको बताया, अगर आप देखना चाहते हैं कि यूट्यूब पे शॉर्ट्स बेसिकली अपलोड कैसे करते हैं तो वीडियो मैं आपको आई बटन पे दे दूंगी, आप इसको जरूर से देख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक वीडियो है जिसे मैंने अपलोड कर दिया है। अब आपने आगे फर्दर क्या करना है, यहाँ पे कोई टाइटल वगैरह मैं आपको नहीं बताने जा रही हूँ कि आपने टाइटल बहुत अच्छा लिखना है या जो भी, आप अपनी वीडियो के लिहाज से यहाँ पे जो टाइटल लिखना चाहते हैं टाइटल लिख दीजिए। इस्लामिक मोटिवेशनल वीडियो है या इस्लामिक स्पीच है या किसी स्कॉलर की वीडियो है, कुछ भी आपने यहाँ पे उसको लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे क्या करना है, एक हैशटैग जो यहाँ पे लगता है नॉर्मली शॉर्ट्स का, वो आपने यहाँ पे जरूर लगाना है, क्योंकि हमें अपनी वीडियो शॉर्ट्स फीड में लेकर आनी है, जिसके लिए ये एक हैशटैग जो आप अपने टाइटल में लगाते हैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करते वक्त, ये एक नेसेसरी पार्ट होता है, इसको आपने जरूर करना है। यानी कि एक हैशटैग आपने शॉर्ट्स का जरूर लगाना है, ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने लगा दिया हैशटैग को। अब सिंपली मैंने क्या करना है, विजिबिलिटीज की अनलिस्टेड ये इसको मैं कर देती हूँ अपलोड, ठीक है, ये मैंने कर दिया अपलोड। अब इसके बाद फर्दर जो आपने करना है ना वो है बेसिकली मेन चीज। अब देखिए यहाँ पे वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो मैं आ जाती हूँ यहाँ पे स्टूडियो में। यहाँ पे वीडियो आ चुकी है, इसको हमने करना है एडिट के बटन पे जाके, पेंसिल का मार्क बना हुआ है इस पे जाके एडिट करना है। अब यहाँ आपने क्या करना है, आपने सिंपली जाना है गूगल पे और यहाँ पे आपने लिखना है SEO स्टूडियो टूल्स आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपने यूट्यूब हैशटैग जनरेटर पे जाना है
और उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है अपना कीवर्ड, जो आपका कीवर्ड है, जो आपका टॉपिक है, इस्लामिक मोटिवेशनल वीडियो मैंने लिखा, जो भी आपका टॉपिक है आपने यहाँ पे लिखना है, और आपने इसके बाद इसको जेनरेट पे क्लिक करना है। जब आप जेनरेट पे क्लिक करेंगे तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म के हैशटैग्स नज़र आ रहे होंगे जो आपकी इस वीडियो से रिलेटेड है। इतने सारे हैशटैग्स में से अगर आप चाहते हैं तो कुछ सिलेक्टिव हैशटैग आप यहाँ पर रख सकते हैं जो आपके नीचे लिस्ट में ऐड होते जाएंगे। इस तरह से आपने सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। ये सारे हैशटैग जो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ ये मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, और इसके बाद ये नीचे ऐड, ये देखें यहाँ पे होते चले जा रहे हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं सिलेक्टेड टैग्स को। अगर ये सिलेक्टेड टैग्स जो आपने लेने हैं, अगर इसमें कोई मिस्टेक, बाय मिस्टेक इन कोई आ गया, तो आप यहाँ से क्लियर भी कर सकते हो। सिलेक्टेड टैग्स हमने यहाँ पे कॉपी कर लिए हैं। हमने जाना है वापस YT स्टूडियो पे, और डिस्क्रिप्शन पे जाने के बाद सबसे पहले तो जो आपका टाइटल है उस टाइटल को यहाँ पर लिखना मैंडेटरी होता है, ठीक है। इससे आपकी SEO बहुत अच्छी हो जाती है, चाहे आपकी लॉन्ग वीडियो हो या शॉर्ट वीडियो हो। तो यहाँ पे आपने जब अपना टाइटल लिखा जो कि था हमारा इस्लामिक मोटिवेशनल वीडियो, ठीक है, ये इसका टाइटल था। उसके बाद नीचे आते हैं, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे छोड़ते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे आके हम अपने हैशटैग्स अप्लाई करते हैं। तो ये देखें आपके हैशटैग्स यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं, ठीक है, सिंपल। अब आपने क्या करना है, इसके बाद जो यहाँ पे सेंटर में जो जगह छोड़ी है ये कीवर्ड्स के लिए जगह छोड़ी है, आपने सिंपली जाना है कीवर्ड्स को सर्च करना है। यहीं से, इन्हीं की वेबसाइट से आपको कीवर्ड्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा रैपिड टैग्स की वेबसाइट है, वहां से भी आप कीवर्ड्स ले सकते हो। तो यहाँ पे देखें टैग जनरेटर, यानी टैग्स हमने लगाने हैं जिसको हम नॉर्मली जब डिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं तो वो कीवर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल लिखें इस्लामिक मोटिवेशनल वीडियो, ठीक है। तो इसके बाद जब इसको जनरेट करेंगे, अब ये सारे जो है वो टैग्स हैं जो हमने बेसिकली कहाँ लगाने हैं, डिस्क्रिप्शन पे ऐड करने हैं। यहाँ से देखें इसको आप सिलेक्ट कर लें, चाहे तो आप सारे सिलेक्ट कर लें और चाहे तो आप कुछ सिलेक्ट कर लें, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे जो है वो तकरीबन मैंने सिलेक्ट कर ली है, इसको कॉपी कर लेते हैं। एंड अगेन जाते हैं हम, यहाँ पे क्या है, ये कॉमास हटाने हैं आपने, और इस तरह से इसको स्पेस को खत्म करना है, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यही टैग्स जो आपने कॉपी किए हैं टैग्स पे जाकर लगाने। तो यहाँ पे ओपन करती हूँ उसको, पेस्ट करा तो ये देखें ये इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट हो गया है। अब यहाँ से अगर आपने इसको सिंपल टैग्स के तरीके से आप चाहते हो ना टैग्स लग जाए, तो आपने क्रोम से जाके यूट्यूब स्टूडियो ओपन करना है और वहाँ पे ये टैग्स लगाने हैं जो मैं आपको नॉर्मली बताती हूँ कि YT स्टूडियो में ये ऑप्शन नहीं आ रहा होता है मोबाइल फोन्स पे, YT स्टूडियो एप्लीकेशन पे ये नहीं आ रहा होता, इसलिए आपको क्रोम पे जाके यूट्यूब स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन करनी होती है और वहां से आपने ये टैग्स लगाने हैं, ठीक है। सिंपली ये टैग भी हो गया, आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। इसके बाद सिंपल आपने जो मैंने आपको बताया था स्क्रीनशॉट हमने लिया है उसका यहाँ पे क्या काम है, वो ये है कि आपने जाके देखना है स्क्रीनशॉट में कि वो क्या चैनल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जाके देखती हूँ जो स्क्रीनशॉट लिया है तो उसमें चैनल का क्या नाम है। तो यहाँ पे है IF2 इस्लामिक फैक्ट्स, तो हमने क्या करना है एट द रेट करके IF2 इस्लामिक फैक्ट्स, ये आ गया, इसको हमने यहाँ पे कर दिया। और सेकंड चैनल हमारा क्या था, इस्लामिक टोर्नाडो लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया, इसको हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया एंड दैट्स इट, ये दोनों यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसको यहाँ पे एट द रेट करके चैनल मेंशन करने का क्या फायदा है, वो फायदा ये है जब भी आप इस तरह से अपनी वीडियो अपलोड करेंगे ना तो होगा कुछ यूं कि जब ये दो चैनल्स जो हमने मेंशन किए हैं जब इनकी वीडियो शॉर्ट्स फीड पे आएगी, ब्राउज पे आएगी, तो साथ साथ आपकी वीडियो भी सजेशन पे जरूर आएगी। जब हम इस तरीके से SEO करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो चैनल्स, जिन चैनल्स को आपने मेंशन किया है उन्हीं चैनल्स के नीचे सजेशंस पर आपकी वीडियोस जरूर आती हैं। जो लोग मुझसे पूछते थे कि शॉर्ट्स की SEO कैसे होती है, SEO के साथ अगर शॉर्ट्स अपलोड करना चाहें तो उसका क्या प्रोसीजर है, तो उसके लिए आज ये वीडियो थी। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन पे कर सकते हैं मुझसे। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करिएगा और साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा।